शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी राजू का साहस, कथावाचक निर्मल मिश्र। उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था। राजू स्कूल छोड़ देने के पश्चात जन सेवा में लगा रहता था। कब किस पर कैसी मुसीबत आई, उससे उसे मुक्त करना, किसी बीमार की सेवा टहल, कौन कहां मर गया, उसका दाह संस्कार इत्यादि कार्य वह दिन रात किया करता था। मैं राजू का दाहिना हाथ था। जरूरत पड़ने पर राजू मुझे बुला भेजता। दाह संस्कार के कार्य अकेले न कर सकने के कारण उसे मेरी जरूरत प्रायः पड़ती ही थी। एक बार ज्येष्ठ एकादशी के दिन हमारे मामा के यहां नाटक हो रहा था। कलकत्ता से पार्टी आई थी। गांव के सभी लोग नाटक देखने आए थे। मैं एक कोने में बैठा तन्मयता पूर्वक नाटक देख रहा था। ठीक उसी समय न जाने राजू कहां से टपक पड़ा और मुझसे बोला, सुनो इधर आओ। मैं बाहर चला आया। राजू ने कहना जारी रखा, उस मोहल्ले में तारापद के लड़के की मृत्यु हैजा से अभी हो गई है। महज 3 साल का छोटा बच्चा है। एक ही लड़का था तारापद का। तारापद और उसकी पत्नी लाश को लेकर रो रो कर जमीन आसमान एक किए दे रहे हैं। मेरे विचार से इस छूत की बीमारी वाली लाश का शीघ्र अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सोच रहा हूं इसी समय श्मशान ले चलूं। गांव के सभी लोग तो नाटक देख रहे हैं, कोई बुलाने से भी नहीं आ रहा। चल तू तो मेरे साथ चल। बिना कोई प्रतिवाद किए मैं चुपचाप उसके साथ हो लिया। अधूरा नाटक ही मेरे भाग्य में था। तारापद और उसकी पत्नी को जैसे तैसे दिलासा देकर जैसे तैसे हमने उसके बच्चे की लाश एक तरह से हमने अंतिम संस्कार के लिए छीन ली। उसके बाद हम गांव से श्मशान की ओर चल पड़े। रात बहुत बीत चुकी थी, 1 बजने को था। सर्वत्र अंधेरा था। रास्ते में मैंने राजू से कहा, एक लालटेन साथ ले लेते तो अच्छा था। राजू ने कहा, अच्छा तो होता पर इस समय मिलेगी कहां, घर में कौन बैठा है। मेरे पास माचिस है, जरूरत पड़ी तो इसी से काम चलाएंगे। जवाब में मैंने कुछ नहीं कहा। मृत बच्चे को गोद लिए राजू आगे आगे चल रहा था। पीछे पीछे मैं चुपचाप चला जा रहा था। श्मशान गंगा किनारे है। श्मशान विराट और भयावह नीरव है, जिसके कारण लोग दिन में भी आने से यहां डरते हैं। आसपास दूर दूर तक कोई गांव या झोंपड़ी तक नहीं है। नाम मात्र को 2-4 खजूर और कटहल के विशाल काय वृक्ष हैं, जो वातावरण को और भारी बनाते हैं। दूर दूर तक गंगा की बालू दिखाई देती है। श्मशान के बीचों बीच एक फूस की झोपड़ी थी। क्रियाकर्म करने वाले इसी झोपड़ी में धूप बरसात में पनाह लेते थे। लोगों का कहना था कि झोपड़ी में भूतों का अड्डा है। रात की तो बात ही छोड़िए, दिन में भी कोई आदमी उस झोपड़ी के भीतर अकेले जाने से डरता था। राजू इन सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देता था। वह सीधे उस झोपड़ी में घुस गया। यद्यपि मैं भी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी में आया, लेकिन स्वाभाविक रूप में नहीं। मैं डरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पैर कसकर पकड़ रखा है। साथ में राजू था, इसीलिए कुछ हिम्मत थी, वरना मैं कब का भाग खड़ा होता। जमीन पर लाश रखते हुए राजू ने कहा, काफी देर से बीड़ी नहीं पी है, चल पहले एक एक बीड़ी पी ली जाए, इसके बाद आगे का काम करेंगे। क्यों, ठीक है ना। राजू के प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा था कि उस अंधकारमय झोपड़ी के भीतर स्पष्ट रूप से यह आवाज सुनाई दी, क्या एक बीड़ी मुझे भी दे सकते हैं। भय से मेरा कलेजा मुंह को आ गया, सिर के बाल तक खड़े हो गए। मारे भय के सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन राजू ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम हो कौन। उत्तर आया, मैं हूं। कहते हुए राजू ने माचिस जलाई। क्षणिक सी रोशनी में हमने देखा, हमारे पास ही एक मैले बिस्तर पर मनुष्य की तरह की कोई आकृति पसरी हुई है। सिर से पैर तक सारा बदन कपड़ों से ढका हुआ है।
राजू ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा, अरे यह तो एक और मुर्दा है, पता नहीं कौन ले आया है, शायद लकड़ी लाने गए हैं। तभी आवाज फिर से आई, नहीं बेटा मैं मुर्दा नहीं हूं। इस बार अत्यधिक भय के कारण मैं राजू से लिपट गया। मैं बेतरह कांप रहा था, मेरी घिग्गी बन गई। लेकिन राजू, वाह रे राजू, धन्य है तू, उसने उसी निर्भय भाव से पूछा, तब तुम कौन हो? माचिस की तीली बुझ चुकी थी। राजू ने दूसरी जलाई। इस बार गौर करने पर पता चला कि आवाज गंदे कपड़ों के भीतर से आ रही थी। मैं गंगा यात्री हूं बेटा, राजू ने मुझे ढाणस बंधाते हुए कहा। डरने की बात नहीं है रे, यह मुर्दा नहीं गंगा यात्री है। इसके बाद एक बीड़ी सुलगाकर उसने मुंह में ठूंस दी। वह एक कृशकाय वृद्ध था। बीड़ी का कश लेने के बाद उसकी आवाज फिर आई। इस बार उसकी आवाज में परम तृप्ति थी। ओह जान बची, कई दिन हुए यहां लाकर पटक दिए हैं, मांगने पर कोई बीड़ी भी नहीं पिलाता, सबके सब कमीने हैं। अब राजू ने वृद्ध से सवाल करना शुरू किया, कितने दिन हुए यहां आए, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं, वे लोग कहां गए? वृद्ध ने कहा, 3 दिन हुए, मौत नहीं आ रही है, मेरे 2 नाती और 1 पड़ोसी मुझे यहां ले आए हैं, वे लोग भी मेरे साथ यहां थे। आज न जाने कहां पास ही में कलकत्ता से कोई नाटक कंपनी आई है, वहीं वे लोग नाटक देखने चले गए हैं। मैं जल्दी मर नहीं रहा हूं, यहां तो गंगा किनारे की हवा खाकर चंगा हुआ जा रहा हूं, मरने का नाम ही नहीं ले रहा हूं। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, न जाने क्या होगा। एक बार गंगा यात्री बनने के बाद सुना है घर वापस नहीं जाना चाहिए। राजू ने कहा, कौन कहता है कि घर नहीं जाना चाहिए? आपको देखने पर कोई नहीं कह सकता कि आप मरने वाले हैं, अभी तो आप काफी भले चंगे हैं। आपका घर कहाँ है? चलिए घर लौट चलिए, हम लोग आपको वापस ले जाएंगे, नहीं तो आपको घर वापस नहीं जाना चाहिए कहने वाले लोग ही शायद आपका गला दबा देंगे। वृद्ध ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, कई दिनों से यही बात कहकर वे लोग मुझे डरा रहे हैं, पता नहीं कब मेरा गला दबा दें। राजू ने कहा, खैर कोई हर्ज नहीं, हम लोग अपना काम पूरा करते हैं फिर आपको अपने साथ ले चलेंगे। आज की रात आप मेरे घर रह लेना, कल सुबह आपको घर छोड़ाएंगे। तारापद के लड़के का दाह संस्कार हमने किया। इसके पश्चात राजू गंगा में स्नान कर वापस आया, मुझसे कहा, तू यह सब कपड़ा बिछौना पकड़ ले, मैं इनको उठा लेता हूं। जिस तरह आते समय आए थे हम उसी तरह वापस जा रहे हैं। राजू वृद्ध को पीठ पर लादे चल रहा था, पीछे मैं गठरी चद्दर लादे चुपचाप चल रहा था। मामा के घर के पास आने पर मालूम हुआ नाटक अभी समाप्त नहीं हुआ है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी राजू का साहस, कथावाचक निर्मल मिश्र।